नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोग किसी भी दिशा में सो जाते हैं, वह नहीं समझ पाते हैं कि गलत दिशा में सोना उनके वैवाहिक जीवन में टकराव की वजह हो सकता है। वास्तु दोष की वजह से कुछ रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। गुरु जी की कथा में कहा गया है कि सोते समय अगर पति पत्नी कुछ बातों का ध्यान रखें तो वैवाहिक जीवन की कई समस्याओं से बचा जा सकता है। कथा के इन नियमों को मानने से उनके प्रेम संबंधों में सुधार होता है, आपके बीच तालमेल अच्छा हो, इसके लिए वास्तु में पति पत्नी के सोने की दिशा के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं। यहाँ तक कि इससे संतान सुख में आने वाली बाधाएं भी खत्म हो सकती हैं। प्यार, देखभाल और सम्मान हर अच्छे रिश्ते की नींव होती है। रिश्ते में रोमांस बनाए रखने के कई तरीके होते हैं। शादीशुदा जोड़ों या पति पत्नी के बेड की स्थिति, बेडरूम के रंग और सोने की दिशा पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने हेतु कुछ उपयोगी वास्तु टिप्स हैं। कथा के अनुसार अगर पति पत्नी के सोने की दिशा सही हो तो इससे प्यार और अपनेपन की भावना बढ़ती है। ऐसे में पति पत्नी को अपने संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए बेडरूम रखी जाने वाली चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरु जी की कथा के अनुसार पति पत्नी के सोने की दिशा क्या होनी चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कथा के अनुसार पति पत्नी की सोने की दिशा। इससे पहले कि हम विवाहित जोड़ों के लिए सोने की सही दिशा की बात करें, आइए जानते हैं इससे संबंधित गुरु जी ने एक कथा प्रवचन के दौरान क्या बातें बताई हैं। बेडरूम संबंधित सबसे महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स यह है कि विवाहित जोड़े का बेडरूम घर के उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दिशाएँ पार्टनर के बीच प्यार को बढ़ाती हैं। जब विवाहित जोड़ों के लिए सोने की सही दिशा की बात आती है तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बेडरूम में ऐसी कोई बीम लाइट नहीं होनी चाहिए जो बेड को क्रॉस करती हो। बेडरूम के वास्तु टिप के अनुसार बेड के ठीक ऊपर एक भी लाइट नहीं लगी होनी चाहिए। बेडरूम के वास्तु टिप के अनुसार बेडरूम को तनाव मुक्त रखना चाहिए और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, चार्जर आदि से दूर रहना चाहिए। कपल्स के लिए सोने की सही दिशा के अलावा सिर की सही दिशा का भी ख्याल रखना जरूरी है। बेड को इस तरह रखना चाहिए कि आपका सिर दक्षिण दिशा की ओर हो। चलिए अब जानते हैं कि विवाहित जोड़ों का बेडरूम कैसा होना चाहिए। विवाहित जोड़ों का बेडरूम कथा के अनुसार बनाया जाना चाहिए, जिससे कि उनका रिश्ता मजबूत रहे। यदि वह घर के मालिक हैं तो उनका बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यदि जोड़ा नवविवाहित है तथा बड़े भाई माता पिता के साथ रह रहा है तो बेडरूम उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। विवाहित जोड़ों का उत्तर पूर्व दिशा वाले बेडरूम से बचना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कथा के अनुसार बेड की दिशा। बिस्तर हमेशा कमरे की दक्षिण पश्चिम की दीवार से सटा होना चाहिए। बिस्तर दरवाजे के सामने कभी नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार विवाहित जोड़ों को अपना सिर दक्षिण, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम की ओर रखना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि सोते समय सिर उत्तर की ओर ना रखें, इससे आप तनावग्रस्त और थका हुआ महसूस कर सकते हैं। अच्छी नींद क्यों है जरूरी। अच्छी नींद से आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहता है, यह बड़ी बीमारियों से बचाता है। अच्छी नींद दिमाग को एक्टिव रखने में मदद करता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। कुल मिलाकर इसका आपके काम करने की क्षमता पर प्रभाव होता है। पति पत्नी के सोने की दिशा पर कुछ महत्वपूर्ण बातें। कमरे के कोने में नहीं सोना चाहिए, इससे एनर्जी का सर्कुलेशन प्रभावित होता है। बेड के दोनों तरफ कुछ जगह खाली रखें। पति को बेड के दाहिनी ओर और पत्नी को बाईं ओर सोना चाहिए। अगर आप रात में कई बार उठते रहते हैं तो आपको सोने के माहौल में सुधार करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। किसी बीम के नीचे ना सोएं जिस पर पूरे घर का भार टिका हो, यह परिवार के लिए दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। बिस्तर के नीचे कचरा ना रखें। धातु से बने बेड से बचें, क्योंकि यह बीमारी का कारण बनता है। अंत में निचली मंजिल पर रसोई वाले बेडरूम से बचें। बेडरूम में फर्नीचर का सही स्थान। अगर बेडरूम में फर्नीचर सही स्थान पर हो तो आपका घर बहुत अच्छा लगेगा। कथा के अनुसार बेडरूम में भारी सामान पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रहें सावधान।
आजकल हम में से ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेडरूम में रखते हैं। अगर आप अपने गैजेट्स बेडरूम में रख रहे हैं तो उसे बेड से कुछ दूर रखें। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स द्वारा उत्पन्न चुंबकीय तरंगें नींद में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं तथा अनिद्रा जैसी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। बेडरूम का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार दीवारों के उत्तर, पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। प्रवेश द्वार हेतु केवल एक ही दरवाजा होना चाहिए और यह कभी भी दक्षिण की ओर की दीवार पर नहीं होना चाहिए। सोते समय पैरों की दिशा। हमेशा अपने पैरों को पश्चिम की ओर करके सोएं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। दक्षिण दिशा भी इसके लिए आदर्श दिशा है। बेडरूम के लिए सही रंग चुनें। हल्के रंगों का अपना ही महत्व होता है। गहरे रंगों के इस्तेमाल से बचें। ऑफ व्हाइट, पिंक और क्रीम जैसे हल्के रंग चुनें। हमेशा याद रखें कि हर रंग का अपना महत्व होता है। ऐसा रंग चुनें जिससे आपका मन शांत रहे। अच्छी नींद के लिए कृपया बताए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित वास्तु सुझाव का पालन करें, क्योंकि अच्छी नींद से ही हर सुबह आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। चलिए जानते हैं सोने की दिशा से जुड़ी अन्य उपयोगी टिप्स। प्राचीन चीनी प्रथा फेंग सुई भी घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश देती है। ची के रूप में भी जाने वाली सकारात्मक ऊर्जाओं को बेडरूम और इसके विभिन्न तत्वों की उचित व्यवस्था के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। सोने की सही स्थिति और दिशा सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपयोगी टिप्स जानते हैं। नंबर 1, फेंग सुई के अनुसार बिस्तर को दीवार की विपरीत या किसी खिड़की के नीचे नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, सुनिश्चित करें कि बिस्तर बेडरूम के दरवाजे के सामने वाली दीवार के साथ रखा गया है, लेकिन वह दरवाजे के बराबर में नहीं होना चाहिए। इसे कमांड पोजीशन के रूप में जाना जाता है। नंबर 3, वास्तु और फेंग सुई के अनुसार सोने की सही पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके पैर दरवाजे की तरफ ना हो। नंबर 4, ऊर्जा प्रवाह में सुधार और हानिकारक ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए पौधों और शुभ चित्रों के साथ बेडरूम डिजाइन करें। नंबर 5, कमरे को किसी भी अव्यवस्था से मुक्त रखें, जिसमें कंप्यूटर और अन्य गैजेट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम शामिल हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में सुधार होगा। चलिए अब जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से किस दिशा में सोना चाहिए। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह पाया गया है कि मनुष्य पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के प्रति संवेदनशील हो सकता है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोते समय यह पाया गया है कि रक्तचाप में काफी कमी आती है और नींद की गुणवत्ता सुधरती है। दूसरी तरफ उत्तर की ओर सिर करके सोने से चुंबकीय खिंचाव के कारण मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर पर असर पड़ सकता है। सिर उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है, इसलिए उत्तर की ओर मुख करके सोने की अनुशंसा नहीं की जाती है। इस प्रकार हमारे शरीर पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सोने के लिए दक्षिण सबसे अच्छी दिशा है। इसके अलावा अच्छी नींद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यह जानना जरूरी है कि नींद के लिए कौन सी दिशा वैज्ञानिक रूप से अच्छी है। विशेषज्ञों का कहना है कि विशिष्ट चिंताओं वाले लोगों के लिए कुछ निश्चित सोने की स्थिति बताई जाती है। उदाहरण के लिए पीठ दर्द या गर्दन के दर्द वाले लोगों के लिए साइड पोजीशन पर सोना आदर्श माना जाता है। आयुर्वेद में भी बाई ओर सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे सांस लेने में आसानी होती है और शरीर के कार्यों में सुधार होता है। बहुत से लोग सोचा करते हैं कि वास्तु के अनुसार किस तरफ सोना उचित है। यहाँ यह नोट करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सोने के लिए एक आरामदायक स्थिति चाहते हैं। आपको सोने के लिए वास्तु द्वारा सुझाई गई दिशा को याद रखना चाहिए। तो भारत में वैज्ञानिक तरीके से किस दिशा में सोना है? उत्तरी गोलार्ध में सोने की सही दिशा पर विचार करना चाहिए, जो पूर्व या दक्षिण दिशा है। तो दोस्तों, अगर आपको गुरुजी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखें। साथ में हमें बताएं कि अगली वीडियो में आप किस टॉपिक पर गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।